सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका भाई यश शर्मा, कैसे आप मेरे सभी दोस्त। सो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। आज के टाइम में हेयर फॉल काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है जो सबके साथ हो रही है। सो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि उसे कैसे रोकना, और जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके यूज़ से आपको हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा। आपको वो क्या है, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो हेयर फॉल लॉस होने काफ़ी ज़्यादा कारण जैसे आपका डाइट अच्छी नहीं होनी, आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी, मल्टीविटामिन मिनरल्स, इन चीज़ों से आपका हेयर फॉल होता है, या फिर किसी भाई ने सप्लीमेंट में प्रोटीन या गेनर लिया जो कि था लोकल कंपनी का नहीं था, उस चक्कर में आपका हेयर फॉल हो सकता है, या भाई ने किसी ने साइकिल चलाई, खैर वो चीज़ अलग है, लेकिन किसी भाई ने साइकिल चलाई उसे बंद करने के बाद आपको हेयर फॉल हो सकता है। गेनिंग की साइकिल कर लो, किसी चीज़ की कर लो, काफ़ी ज़्यादा कारण जिससे आपको हेयर फॉल हो सकता है। सो जो मैं आपको बताऊंगा उसका यूज़ करने से आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, और जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो टिकेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है ऑजिराइज D360 के, ये आपकी विटामिन डी की टैबलेट है, इसे आपको वीक में एक बार लेना है। और विटामिन डी की मैंने कई ज़्यादा वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कई टैबलेट के बारे में बताया है, जो दो टैबलेट के बारे में बताया उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसके साथ आप उन दोनों में से किसी का जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तीनों का काम सेम है, तीनों विटामिन डी की हैं, और वीक में एक बार ही लेनी है क्योंकि विटामिन डी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वीक में आप एक बार उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जितनी टैबलेट आपको बता रहा हूँ सबका नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर आपको ये आ गई ऑजिराइड D360 के, इसमें आपको 4 कैप्सूल मिलेंगे और ये विटामिन डी के हैं। लेना कैसे है वो आपको आगे बताऊंगा, पहले बता दूं कौन कौन सी आपको टैबलेट यूज़ करनी है। और भाई जो सेकंड नंबर पे है ये सबसे ज़्यादा मेन है क्योंकि यही आपके हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली है। सो ये है बायोटीन कैल्शियम की, क्योंकि हेयर फॉल जो होता है वो बायोटीन कमी से होता है, तो इसमें आपको बायोटीन और कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। जो इसका नेम है वो एक्सिटेन प्लस, और कंपनी कह लो एक्सिजेन, कुछ भी कह लो, क्या कह लो, मतलब एक्सिजेन कंपनी है और एक्सिटेन प्लस इसका नेम है। किसी से भी आप मेडिकल पे कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगी, नेम दिखा देना, और इसका यूज़ हेयर फॉल में होता है, और ये डॉक्टर की लिखी हुई टैबलेट है, कोई अपने पास से मैं नहीं बता रहा अलग से। तो ये मेन आपकी बायोटीन की कमी पूरी करेगी और इससे ही आपका हेयर फॉल रुकेगा। और अगर आप चाहो तो अलग से भी एक टैबलेट यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी मर्ज़ी है, मेगा ई जिसका नेम है, ये मैं यूज़ कर रहा था, ख़त्म हो गई है, ये अभी लेके आया क्योंकि मेन यही है। अगर आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो, ये मेगा ई, इसके भी आपको कैसे यूज़ करना बताता हूँ, तो ये भी आपकी हेयर लॉस में आपकी काम आने वाली है। सो जो आपका सुबह आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद लेना, 5-10-15 मिनट आप कैसे भी ले सकते हैं, ये वो ये है जिसका नेम है एग्रीटीन प्लस, इसे आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है एक टैबलेट। और मेगा ई का यूज़ आपको रात में डिनर के बाद करना है, 10-5 मिनट जब भी आपको अच्छा लगे तब ले सकते हैं, इसे भी आपको एक ही टैबलेट लेनी है। और ये आपको पता ही है कि विटामिन डी का आपको जैसे हर वीडियो में बताता हूँ वीक में एक बार इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर डॉक्टर से आप पूछ लेना, अगर आप वो बता दें जैसे यूज़ करना रोज़ कर सकते हैं, लेकिन वीक में एक बार काफ़ी होता है इसका। तो ये तीन टेबलेट है जो आपको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे इनसे, तो इनका यूज़ करके आपको हेयर फॉल से काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिल जाएगा। तो ये नहीं कह रहा कि इससे जैसा आपने टैबलेट ली तो अगले दिन से ही आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, तो ये वो नहीं है, आपको 15 दिन में रिजल्ट दिखाई, जैसा आपके 100 बाल झड़ रहे हैं तो आपको इससे यूज़ करने 50 बाल हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये इसका कि बहुत सी टैबलेट होती है आपको एकदम रिजल्ट दिखा देती है, वो नहीं है, आपको धीरे दिखाई लेकिन जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपके रहेंगे, कोई अलग से रिजल्ट डाउन नहीं होने वाले। तो ये तीन है, प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, अच्छे खासा आप कहीं से कोई भाई ले सकता है, चीपेस्ट प्राइस है, और टैबलेट काफ़ी बढ़िया, डॉक्टर से पूछिए भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा था वो यही थी जिससे हेयर लॉस जो हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा रुक गए। सो डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, पानी ज़्यादा पीना, और अपने ये चला सकते हैं, आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे जैसा कि आपको पता ही है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया वाली, किसी नेक्स्ट वीडियो बढ़िया होती हैं जितनी मेरी होती हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर।